बीफ मैं पानी में डिप कर रही हूँ डिफ्रॉस्ट होने के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। और किचन में हमारी हेयर ऑयलिंग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखें, सबकी तमाम मुश्किलें परेशानियां बीमारियां दूर करें, आमीन। सो यार आज का व्लॉग हमारा दिन के 1:30 से स्टार्ट हो रहा है। यूजुअली इस टाइम तक मैं मनीहा को स्कूल छोड़ के वापस आ गई होती हूँ। सो आज के सीन्स हमारे डिफरेंट हैं। हम लोग उठ गए थे सुबह जल्दी, लेकिन मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी इसको स्कूल लेके जाने की। मुझे इतना शदीद कोई बॉडी एक्स हो रहे थे कि यार मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। और अभी हम लोग मतलब जागे हुए तो हम बहुत टाइम के हैं, लेकिन अभी हम लोग अपना डे स्टार्ट करने लगे हैं। बच्चे काफ़ी देर के उठे हुए हैं, ये लोग अपना खेल रहे थे लेकिन मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। खैर अभी मैं इनको नाश्ता करवाऊँगी और उसके बाद आज मैंने कुकिंग भी करनी है और इस तरह से हम लोग अपना डे कॉन्टिन्यू करेंगे। सो यस लेट्स स्टार्ट द डे। हेलो गाइस, मैं वाटर पी रही हूँ। वाटर तो ग्लास में पीते हैं ना? नो नो। क्यों? टी में पीते हैं वाटर। किस में पीते हैं? टी में वाटर पीते हैं। किस में? टी में वाटर पीते। टी में? अच्छा मुझे बताओ आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? पैनकेक और वोपर और कप कम पैन और प्लेटो और चॉकलेट कुकी और कपकेक। और पराठा कौन खाएगा? मैं पराठा खाऊंगी। चलो ठीक है, ओके लेट्स गो। मुझे हिकप्स आए। हिकप्स नहीं आया आपको? बर्ब आया। बर्ब टुडे आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट अगेन, पर आज मैंने डिसाइड किया कि मैं देखूंगी जितना काम मैं इजीली कर सकी वो मैं करूंगी। अदरवाइज यार रोज की तरह मैं अपनी जान आज इतनी ज्यादा नहीं खपाऊंगी। ये क्या है? ये बाबा का पेपर। बाबा का लेटर होगा है ना? हाँ, वो इसमें डोर में लगा होगा। चलो गिव इट टू मी। आज ना मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी चाय पीने का दिल कर रहा है तो मैं इसमें दो टी बैग्स डाल दूंगी। एक एग मैंने रखा है बॉयल होने के लिए और अब मैं बनाऊंगी पराठा और बच्चों के लिए एग फ्राई करूंगी। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी आपने? बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया था और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई हैं। लिटरली इट्स अ वन स्लो डे। यूजुअली जो है ना वो ऐसा होता नहीं है कि इतनी देर तक मेरे काम पड़े रहें, बट खैर इट्स ओके। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, हम लोग भी थक जाते हैं और रेस्ट और ब्रेक की ज़रूरत होती है। एनीवेज बच्चों ने बाई ट्रैम्पोलिन में आना था तो मैंने इनको थोड़ी देर बाहर छोड़ दिया है। थोड़ी सी धूप निकली हुई थी बट बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, पर ये लोग मेरी सुन नहीं रहे, इन लोगों ने अंदर आना नहीं है और मौसम दोबारा से थोड़ा सा ठंडा हो गया। बीफ मैं पानी में डिप कर रही हूँ डिफ्रॉस्ट होने के लिए। जितनी देर में ये डिफ्रॉस्ट होगा मैं अपनी वेजिटेबल्स वगैरह काट लूँगी सारी और किचन साफ़ कर लूँगी। और काम करते करते मुझे बच्चे भी नज़र आ रहे होते हैं तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि इनके कोई उल्टे काम ना चल रहे हों। और बाकी यार ये लॉन मुझे अभी महीना भी नहीं हुआ, यहाँ से मैंने ग्रास काटी थी, लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि महीने में एक दफ़ा आपको ये करना ही करना पड़ता है। तो अभी जब धूप निकलेगी अच्छी तरह से और थोड़ा सा ये सारा घास वगैरह सूख जाएगा तो मैं दोबारा से फ्रंट और बैक लॉन अपना साफ़ करूँगी। अभी तक मेरा मीट जो है ना वो डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि जितनी देर में वो डिफ्रॉस्ट होता है मैं अनियंस काट लेती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। और किचन में अपना सारा साफ़ कर दिया और जैसे ही डिफ्रॉस्ट होता है तो आई विल स्टार्ट कुकिंग। और हम बनाएंगे आज आलू गोश्त मनीहा की फरमाइश पर। मीट भी हम लोगों का हो गया डिफ्रॉस्ट और अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी क्योंकि ये वाली जो बोटियों का साइज़ है ना
ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इफ़ यू गाइस कैन सी। तो फिर ये बहुत ज़्यादा गलने में भी टाइम लगा देते हैं, इतनी बड़ी बोटियाँ अच्छी भी नहीं लगती, ज़्यादा ही बड़ा है ये। तो फटाफट इसकी कटिंग करेंगे और पकाना स्टार्ट करेंगे, और आप भी आने वाले होंगे तो आई विल ट्राई कि मैं आके आने से पहले पहले ना कुकिंग सारी कर लूँ। गलने के लिए अभी जितनी देर में ये होगा मैं फटाफट सारी चीज़ें समेटूंगी और आलू काटूंगी, क्योंकि मनीहा को आलू वाला सालन खाना था सो इसलिए इसमें आलू डाल दें। मास्टर क्या हुआ? विच वन? कॉर्नेटो वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर? मनीहा आपको कौन सा चाहिए? आइसक्रीम लॉली। अंदर आप सोच लो, फिर मैं बाद में आपको दूसरी वाली नहीं दूंगी। ओके कैसी है? मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है और ये लोग दोबारा से बाहर चले गए हैं। पहले मैंने इतनी मुश्किलों से इनको अंदर बुलाया था और अभी दोबारा अंदर से आपकी कर्नाटो फिनिश नहीं हुई। चलो मुझे दे दो यार। मैं नेहा ने आलू आलू लगाई हुई थी तो मुझे लगता है कि मैंने आलू बहुत ज़्यादा डाल दी। खैर अब हम इसको भूनेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी जितनी ग्रेवी रखनी होगी थोड़ा सा पानी डाल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। और गोश्त मेरा सही गल गया और आलू भी ऑलमोस्ट हो गए। सालन हम लोग का बन गया था तो मैंने सोचा कि आपके पीछे आने से पहले फटाफट रोटी भी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी साथ हो गए हैं। और रोटी को थोड़ा सा ऑयल लग गया, क्योंकि सुबह जब मैंने पराठा बनाया था ना तवे पे तो उसका ऑयल पड़ा हुआ था। बच्चे मेरे अभी तक बाहर ही खेल रहे हैं और टाइम हमारे पास ये हो रहा है। गाइस हम लोग खाना खा चुके हैं और मामा हमारी हेयर ऑयलिंग कर रही है। नहीं इधर ऑयलिंग नहीं करा मिसेट। अब आपकी हो रही है और उसके बाद बच्चे शॉवर लेंगे। पुप लिंग जैसा है गाने लो। बच्चों को मैंने ऑयलिंग की है और अभी ये लोग बाहर खेल रहे हैं। एंड कैन यू गाइस बिलीव कि अंशु को शायद मैंने जब से ये हुई है पहली दफ़ा ऑयलिंग की है और मनीहा को शायद सेकंड या थर्ड टाइम की है। तो अंशु का जो है ना स्कैल्प थोड़ा सा ड्राई हो रहा था, इस वजह से मैंने आज उनको ऑयलिंग कर दी है। अभी हमारे पास हो रहे हैं 8:45 ऑलमोस्ट, और क्योंकि अभी मैं फारी हूँ तो फटाफट मैं यहाँ से पहले वैक्यूम क्लीनर चलाऊँगी। बच्चों ने अभी चीज़ें सिखाई हैं तो छोटे छोटे जो है ना वो पीस पड़े हुए हैं खाने पीने की चीज़ों के नीचे, तो मैं फटाफट यहाँ से वैक्यूम क्लीनर चलाऊँगी, फिर मैं अपने रूम से चलाऊँगी। और आज इन्होंने नैप नहीं लिया तो फिर ये लोग नहा के आज जल्दी सो जाएंगे। अभी मैंने अपनी सारी स्टेयर साफ़ की हैं, अब मैं ऊपर वाले पोर्शन से वैक्यूम क्लीनर चलाऊंगी और फिर बच्चों को शॉवर दिलाऊंगी। सो यार फाइनली आई एम डन विद ऑल द क्लीनिंग। और आज सुबह मैंने बोला था कि मैं आज इतना ज़्यादा काम नहीं करूँगी और रिलैक्स रहूँगी, बट इफ़ यू गाइज नो मी, इफ़ यू आर रेगुलर ऑन माई चैनल तो आप लोगों को ये तो आइडिया होगा ही कि मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं बैठती, बल्कि मैं बैठ ही नहीं सकती। और मुझे बड़ी हैरत होती है लोगों को देख के कि लोग कैसे फारिग बैठे रहते हैं। तो द सीन इज़ कि अभी हम बच्चों को शॉवर दिलाएंगे और जब तक मैं सोती रही हूँ फिर मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो लेट्स सी कि शॉवर दिलाने के बाद फिर मेरे काम ख़त्म हो जाएंगे या आई विल डू समथिंग एल्स।
गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। आई जस्ट गॉट फ्री और अभी हमारे पास हो रहे हैं 11:30। बच्चों को नहला के सारे काम खत्म करके और अभी इतना टाइम हो गया कि मेरे पास कुछ और करने का टाइम नहीं है और मुझे नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है और इट वाज अ वेरी लॉन्ग डे जो कि मुझे लग रहा था कि बहुत ही रिलैक्सिंग डे होगा, बट मैं जो हूँ ना अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। एनीवे सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।